उड़ने की आशा में आकाश और उसकी पत्नी लीजिए घर लौट आए हैं। अब आप कहेंगे अच्छी बात है, त्योहार से पहले दोनों आ गए घर, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आकाश और उसकी पत्नी के चक्कर में ही तो सचिन और साइली की प्रॉब्लम्स बड़ी थी। अब दिवाली से पहले इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी तो अच्छा कहाँ लगेगा हमें। बहुत बड़ा काम किया है कि इधर जाके क्या मेडल मेडल जीत के आए, क्या बोलते उसको ओलंपिक ओलंपिक में जाके क्या रेस में दौड़े मेडल मिला, ये लोग को जो ये लोगों में आशीर्वाद देगा, बहुत बड़ा काम करके आए। क्या कहा सुनो, इसलिए बुलाना चाहते थे उसे टेरेस से यहां। हां तो मेरे को भी इधर कोई आने का शौक भी नहीं है, अपने जाने मन के बाद खुशता में सुकून मिलता है मेरे को उधर जाने में। इधर से साइली के ससुराल में अब शुरू होगा देवरानी जेठानी वाला खेल। अब तक तो साइली और रोशनी ही थे, लेकिन अब रिया भी आ गई है। कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो भाई अगर सीरियल की दुनिया की बात करें तो इन्हें मसाला मिल गया है। आकाश और उसकी पत्नी घर लौट आए हैं। अब इन दोनों ने शादी तो भाग कर की थी, परिवार की रजामंदी थी नहीं इनकी शादी में, इसीलिए जब ये घर लौटे हैं तो शगुन की हल्दी लग रही है। अब आकाश और रिया सबसे छोटे हैं तो कायदे से उन्हें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पहले तो ये आकाश और रिया को घर में ही नहीं आने दे रहा था, फिर उनकी सुहागरात हमारे रूम में बनी तो वो भी एक उसको दिक्कत हो गई थी, और अब उसे टेरेस पे जाके सोना पड़ रहा है आकाश और रिया की वजह से। एंड ये एक दिन की बात नहीं, दो तीन दिन हो गए हैं इस बात को, और आज हल्दी रसम है रिया और आकाश की, तो उसके लिए भी मैं उसे मना रही हूँ कि प्लीज़ आ जाओ यार, मतलब सब लोग हैं, तुम ही नहीं हो अकेले। सो बहुत मेहनत लग रही है सचिन को मनाने में, बट आई थिंक इट्स गोना बी वर्थ वॉचिंग, क्योंकि बहुत सारा ड्रामा आपको देखने मिलने वाला है। रिया इज नॉट हैप्पी अबाउट दैट। रिया इज यहाँ पर ही अलग ही टाइप का आपको इक्वेशन देखने मिलेगा। रिया साइली के साथ वाइब करती है बट सचिन के साथ नहीं करती, और रिया को पसंद नहीं आता कि साइली को सचिन के साथ रहना पड़ रहा है, बिकॉज ही इज अ सर्टेन वे, जो भी उसका नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। तो रिया को बहुत इशू होता है कि साइली इतनी अच्छी है, इसको क्यों ऐसे साथ में रह रही। तो आई थिंक वो एक छोटी चीज आपको देखने मिलने वाली है आगे के एपिसोड। एंड एट द सेम टाइम रिया इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, तो अगर इसको साइली बहुत पसंद है तो बहुत पसंद है, एंड अगर सचिन नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो इट्स लाइक अ क्रेजी इक्वेशन, एंड साइली उसे काफ़ी बार बोलने की कोशिश करती है कि नहीं सचिन एक अच्छा इंसान है, उसे टाइम दो। इस सचिन के मन में अभी भी कड़वाहट है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइली बहुत जल्द वो कड़वाहट दूर कर देगी, क्योंकि रिया और साइली की तो बहुत ही जमती है। रही बात साइली और रोशनी की, तो रेणुका ने कभी उन्हें करीब आने ही नहीं दिया, इसीलिए रोशनी थोड़ी कटी कटी सी रहती है साइली के साथ। कैसे रिया नए फैमिली में आकर एडजस्ट करने वाली है, और रिया साइली का बॉन्ड कैसे होने वाला है, बिकॉज आई थिंक रिया और साइली एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इमोशनली एंड इन ऑल वेज, बिकॉज जैसे रिया का आज था एक लाइन उसने जिसमें कहा था, मुझे मोटिवेट किया कि बिजनेस हो ना हो बट यू शुड बी मोटिवेटेड, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, सो डोंट फील बैड, वही नहीं यू कैन डू इट। तो समवेयर आई थिंक कि रिया मुझे सपोर्ट बहुत करने वाली है आगे जाकर। अब सारा परिवार मिल गया है एक ही छत के नीचे, ये सब रहेंगे तो जहाँ पर इतने सारे बर्तन होंगे वहाँ पर आवाज तो आएगी, यानी कि कलेश तो होगा। और आप सब ने तो देख ही लिया है कि आकाश और रिया के आने के बाद साइली और सचिन को छत पर सोना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आगे बहुत कुछ ऐसा होगा जो शायद नहीं होना चाहिए था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।